स्वागत है आपका मेरी किचन में। तो चलिए आज अपनी न्यू रेसिपीज। तो आज हम आम के अचार की रेसिपी बनाने वाले हैं और एकदम बढ़िया टेस्टी अचार बने और दादी नानी के तरीके से बनाएंगे, एकदम सालों चलने वाला, जैसे पहले हमारी नानी वगैरह दादी वगैरह बनाती थी। एकदम बढ़िया टेस्टी अचार जिसको खाते ही एकदम मुँह में पानी आ जाए, एकदम नाम से ही खाने की बात तो आएगा ही। तो चलिए हम अपनी वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने आम लिए हैं 5 केजी, ये अचार के लिए लिए हैं। ये रामकेला आम है ये देखिए, लेकिन मैं ये मंडी में ही कटा के ले आई मार्केट के अंदर, क्योंकि मेरे पास कट करने के लिए सरोता नहीं था। अगर आप इनको घर में ला के कट करें तो वॉश करने के बाद कट करें, साफ़ वॉश कर लें फिर कट करें, लेकिन मैं इनको अभी वॉश करूँगी। तो चलिए इनको मैं पहले वॉश कर लेती हूँ। तो इसको हम रगड़ रगड़ के धुल लेंगे अच्छे से साफ़, इसमें बिल्कुल भी गंदा नहीं रहना चाहिए, एकदम से साफ़ कर लेंगे। ये देखिए पानी का कलर चेंज होने लग गया, गंदगी निकल रही है इसकी। इसको फिर हम 2-3 घंटे के लिए पहले धूप में सुखाएंगे। तो इसको मैंने एकदम अच्छे से साफ़ धुल लिया है, देखिए अभी इनको हम निकाल लेंगे पानी से एक चलनी के अंदर, ताकि इसका पानी एक्स्ट्रा जो सारा नीचे निकल जाए। और जब इसका पानी निचुड़ जाएगा, ये अच्छे से निचुड़ जाएंगे, तो इन्हें हम धूप में डाल देंगे। तो ये हम धुले हुए आम इधर सुखा देंगे छत पे और इनको फैला देंगे अच्छे से। और अगर तेज़ धूप है तो 2-3 घंटे में इनको हम उठा लेंगे, अगर हल्की धूप है तो थोड़ा और सुखा देंगे, 2-3 घंटे में काफ़ी सूख जाएंगे ये। उसके बाद इसमें हल्दी नमक लगाएंगे हम, क्योंकि जो हमने ये वॉश किया है तो पानी भी सारा सूख जाएगा और वैसे भी थोड़े सूखेंगे। तो ये हम आम बाहर धूप से ले आए हैं 2-3 घंटे के बाद में छत से उतार ले आए, ये देखिए। तो इनका कलर थोड़ा सा ऐसा हो गया है। अभी इसमें मैं हल्दी और नमक लगा के रात भर के लिए रख दूँगी। तो ये एक मैंने छोटा टब ले लिया है, इसमें अपने सारे आम डाले हैं। इसमें 3 से 4 टेबलस्पून हल्दी डालेंगे हम, और इसमें मैं नमक डालूँगी। 1 बाउल नमक है 5 केजी आम में, और वेट से कम ये 300 ग्राम होगा। और इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो मैंने इसको अच्छे से हल्दी नमक को मिला दिया है, देखिए एकदम बढ़िया तरीके से। अब इस पे हम सूती कपड़ा बांध देंगे और इसको हम रात भर के लिए रख देंगे, सूखी जगह पे रखेंगे। और ध्यान रखना है इसमें पानी बिल्कुल अब टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो अचार हमारा। तो हमारे अचार को रात भर हो चुकी है, हमने नमक हल्दी लगा के रखा था, अभी इसको खोलते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छे से, कितना अच्छा कलर है, ये देखिए इसने पानी भी छोड़ दिया है। तो अभी इस पानी को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे और फिर इसको हम सुखा देंगे। तो मैंने एक चलनी लगा ली है, इसमें हम इसको छान लेंगे सारे पानी को इस तरीके से, और इन्हें हम देखिए कितना सारा पानी निकला है। इसको हम एक बर्तन में डाल के रख लेंगे, जब अचार बनाएंगे तो इसमें मिक्स। तो ये लीजिए, इसको हम अभी 3-4 घंटे धूप में सुखाएंगे और अच्छे से पहले फैला देते हैं, पूरा सूख जाएगा। ज़्यादा कड़क नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा तेज़ धूप है तो थोड़ा जल्दी उठा लें, और थोड़ा हल्की धूप है तो 3-4 घंटे के लिए सुखा दें। और एकदम अलग अलग इस साइड से रखना है, एकदम इसको हम ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं वैसे ऐसे रखना है, बिल्कुल उल्टा नहीं रखना है छिलके की साइड से, इस साइड से करना है। तो हमने सारे आम सुखा दिए हैं, आपको ध्यान रखना है कि आप धुली हुई साफ चादर पे सुखाएं, गंदे कपड़े या गीले पे नहीं सुखाएं। अब इनको हम 3-4 घंटे सुखाएंगे, उसके बाद उठा के रख लेंगे। तो ये देखिए हमने आम उठा लिए हैं और अच्छे से सूख गए हैं, सूख चुके हैं। तो अभी इसका हम अचार बनाएंगे। ये देखिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा भी नहीं सुखाया है कि एकदम लकड़ी कर दिया है, इतना ही सुखाया है, 3-4 घंटे में अच्छे से सूख गए। तो ये देखिए हमने अचार का मसाला लिया है, 200 ग्राम राई ली है, 200 ग्राम सौंफ है, और ये मेथी है 70 से 80 ग्राम, और इतना ही मैंने जीरा लिया है, और कम से कम 15 लाल मिर्ची ली है सूखी हुई। इनको हम थोड़ा हल्का सा भूनेंगे, मतलब धूप होती है तो धूप में भी सुखा के पीस सकते हैं, फिर इसको पीसेंगे हम। तो पहले इसको हल्का सा हम रोस्ट कर लें। तो मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी, इसमें हम अपने मसाले डाल देंगे सारे, और इसको मैं ज़्यादा नहीं भूनूंगी, सिर्फ इसका मॉइस्चर जो ख़त्म हो जाए उतना ही भूनूंगी, ज़्यादा नहीं भूनना है। वैसे तो हम लोग जैसे धूप होती है तो उसमें भी सुखा लेते हैं और पीस लेते हैं कि मॉइस्चर ख़त्म करना होता है। तो इसको हल्का हल्का हम रोस्ट कर लेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा करना है। तो अभी इसके फ्लेम को ऑफ कर दूंगी मैं, केवल 2 मिनट के लिए हल्का सा किया, और इसको हम एक बर्तन में निकाल के ठंडा कर लेंगे, फिर इसको पीसेंगे दरदरा। हमने 1.5 कप ऑयल लिया है, इसको अच्छे से गर्म कर लिया, अभी इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर इसको हम अचार में मिलाएंगे। तो ऑयल थोड़ा हमारा ठंडा हो गया, और मैंने 1/2 टीस्पून के लगभग हींग ली है, ये डाल देंगे, और 3 बड़े चम्मच मैंने अजवाइन ली है, 1 बड़ी चम्मच हल्दी, और 2 बड़ी चम्मच कश्मीरी मिर्ची, जिससे कलर अच्छा आ जाएगा। और इसको हम मिक्स कर देंगे, और ये ठंडा हो गया, इसको फिर हम अभी अचार में मिलाएंगे। तो ये हमारे अचार वाले आम हैं, इस पे मैंने जो मसाला, ये देखिए दरदरा पीसा, एकदम बारीक नहीं किया, फाइन पाउडर नहीं किया है, ये डाल देंगे। कम से कम 5 केजी में आम के अंदर हम 500 ग्राम मसाला तो होना ही चाहिए,
और हमने जो तेल गरम किया वो डाल, अभी जो मैंने ऑयल और मसाला लिया था ये डाल देंगे, ठंडा हो गया है। और जो हमने पानी लिया था बच्चा इसका आम वाला जो रखा था कंटेनर में से निकाल के, ये डाल देंगे इसी के अंदर। तो ये मैं ऊपर ऊपर का डाल रही हूँ, नीचे का ज़्यादा नहीं डाल रही। और इसमें हम एक टेबल स्पून नमक डालेंगे, आप अपने एज पर टेस्ट डालें, क्योंकि पहले भी डाला है तो अपने हिसाब से डालें, ज़्यादा ना हो जाए। और इन सारी चीज़ों को हम मिला देंगे अच्छे से इस तरीके से। ये एकदम बढ़िया बहुत टेस्टी अचार बनेगा। और अगर आपको लगता है कि ये ख़राब हो जाएगा, अगर वैसे होगा नहीं, हमने अच्छे से सुखा लिया है, पूरा कर लिया है, तो इस तरीके से ही घर में भी सभी इसी तरीके से बनाते हैं। तो मैं इसमें दो ढक्कन विनेगर भी डाल दूंगी अगर आपको लगता है तो। मैं इसमें दो ढक्कन विनेगर डाल रही हूँ थोड़ा सा, ताकि ये अच्छे से सालों तक चले, ख़राब नहीं हो। ये देखिए एकदम बढ़िया अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और ऊपर से जब हमें तेल डालना है इसमें, इसको हम कंटेनर में किसी में साफ़ सुथरे सूखे कंटेनर में डालेंगे, तो उसको गर्म करके ठंडा करके फिर इसमें थोड़ा तेल ऐड करना है। ज़्यादा तेल नहीं डालना है, एक दो कप बस। ये मैं अच्छे से इसको मिला के और कंटेनर में डाल दूँगी। तो ये देखिए अचार एकदम बढ़िया हमारा बन के तैयार हुआ है, एकदम अच्छे बढ़िया तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है। और अभी इसको हम अपने एक सूखे हुए बर्तन में, मतलब कांच का कोई कंटेनर हो, इमरतबान हो, उसी में डालेंगे। ध्यान रखना एकदम सूखा होना चाहिए, गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसको हम उसके अंदर डालेंगे, फिर तेल डालेंगे इसके अंदर। तो ये लीजिए हमारा आम का अचार बिल्कुल बढ़िया बन के तैयार है। और इसको हम दोनों कंटेनर हमने फिल कर लिए हैं, अभी एक दो दिन कपड़ा बांध के धूप में रखेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।